डियर स्टूडेंट्स, पांच नए टॉपिक्स आज के आप सबों के बीच आ चुके हैं। हम लोग पांच अलग अलग सब्जेक्ट्स पे जो टॉपिक्स लेते हैं वो टॉपिक्स आ चुके हैं। ये टॉपिक होंगे 14/8/18 के, यानी परसों तक, डे आफ्टर टुमारो, आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा कल, और फिर परसों इसे हम लोग करेंगे। 14 तारीख को ये टॉपिक आपको करने हैं। साथ ही हम लोग पिछले दिनों पाँच नए टॉपिक्स लिए थे, ये आपने किया कि नहीं, जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है पांच टॉपिक हम लोगों ने पिछले दिनों लिया था, ये आपने किस तरह से किया, या फिर इसे करने में आपको कौन सारी दिक्कतें आई, तो ये भी हम लोग रिव्यू करेंगे। और अगर किसी दिन हमारे एपिसोड नहीं आते तो आप इसे अदरवाइज ना लें, चिंतित ना हो, बल्कि इस दिन आप कुछ एक्स्ट्रा कर लें, क्योंकि जनरल स्टडीज़ का सिलेबस बड़ा है, ये सिलेबस दिखाई नहीं देता, हम लोग अनुभव के आधार पर करते हैं। इतने सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को करने हैं, तो आप किसी दिन एपिसोड नहीं आता तो एक्स्ट्रा पढ़ लें, जैसे सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद सरकार को आप कर लें, मध्यकालीन भारत हम लोग नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो अलाउद्दीन खिलजी आप कर लें, घास के मैदान कर लें, ज्वालामुखी कर लें, नेशनल हाईवेज कर लें, फिजिक्स केमिस्ट्री हम लोग नहीं अभी तक शुरू कर पाए हैं, तो आप साउंड पढ़ लें, लाइट पढ़ लें, तो उस दिन आप एक्स्ट्रा कर लें जिस दिन हमारे एपिसोड नहीं आते। अब आइए उन पांच टॉपिक्स की बात करते हैं जो पिछले दिनों हम लोगों ने होमवर्क के रूप में लिया था। ये पांच टॉपिक्स, इसे आपने किस तरह से किया। पहला गर्म दल था हिस्ट्री में, यानी हॉट फैक्शन 1905 से 1919 के बीच, इसमें कौन सारे तथ्य आए, कौन सारे इवेंट्स आए, आपने इसे कैसे किया। अगर इस फेज की हम बात करें तो 1905 में शुरुआत होती है बहुत बड़े हलचल से, जब बंगाल के विभाजन की घोषणा करजन के द्वारा कर दी जाती है। यह घोषणा किस दिन की गई, यह किस दिन से अपने इफेक्ट में आना था, बंगाल विभाजन किस दिन से विभाजित हो जाना था, इसके लिए कौन सा डेट तय किया गया था, किस तरह से आपने पढ़ा, इसके विरोध में जो आंदोलन चला स्वदेशी और बहिष्कार, यह किस दिन शुरू हुआ, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने रक्षाबंधन पूरे देश के लोगों को जोड़ने के लिए रक्षाबंधन मनाने की घोषणा की। इस वक्त अमार शुनार बंगला, जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, वो लिखा गया। कुछ घटनाएं हुई इस समय जो आपको जानना था, क्या आपने इस तरह से पूरे आंदोलन को पढ़ा, किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो इसके अलग अलग पक्ष को यहाँ पर आपको 1905-6 के इस मूवमेंट, विभाजन की घोषणा और मूवमेंट को पढ़ना है। प्लस 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है ढाका में, इसकी अध्यक्षता किसने की। 1907 में कांग्रेस में स्प्लिट हो गया, गर्म दल और नरम दल अलग हो गए, क्या कारण थे, कौन अध्यक्षता कर रहा था इस समय, सूरत में यह अधिवेशन चल रहा था, रास बिहारी घोष, रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इस वक्त क्या ऐसी घटनाएं हुई कि विभाजन की स्थिति आ गई। साथ ही 1909 में मॉर्लेमिंटो सुधार आया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आया, जिसे मॉर्लेमिंटो, भारत सचिव मॉर्ले और मिंटो जो वायसराय थे, इन दोनों ने मिलके, इनके समय में ये तैयार हुआ था, इसलिए इसे मॉर्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात हुई, क्या आपने पढ़ा इसे। साथ ही 1911 में दिल्ली दरबार लगा, दिल्ली दरबार में बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, जॉर्ज पंचम आए, क्वीन मैरी आई, और दिल्ली में जो दरबार लगा उसमें बंगाल विभाजन की घोषणा को, करजन की घोषणा को वापस लिया गया, और बिहार अलग हुआ बंगाल से, बिहार और उड़ीसा दोनों मिलकर एक अलग प्रांत बंगाल से अलग हुए, जो 1 अप्रैल 1912 में अस्तित्व में आया। तो ये सारा आपको पढ़ना था। प्लस 1914 में वर्ल्ड वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर हमें नहीं पढ़ना है, आप केवल डेट्स, घटनाओं के डेट्स एंड इवेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। 1916 में दो बड़ी घटनाएँ हुई, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों में कुछ समझौते हुए लखनऊ अधिवेशन में, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे। 1916 की दूसरी बड़ी घटना थी होम रूल आंदोलन का चलना। तिलक ने अप्रैल 1916 में अपना होम रूल लीग स्थापित किया, जबकि सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपना होम रूल लीग, और दोनों ने पूरे भारत में होम रूल आंदोलन चलाया, यानी सेल्फ रूल्स, अपनी गवर्नमेंट, अपना शासन। अंग्रेज़ों को ये मैसेज पहुँचाना था ब्रिटिश शासन को कि हमें अब अपना शासन चाहिए।
तो इन दोनों के द्वारा बीच में गांधीयन एरा से पहले एक बड़ा आंदोलन अखिल भारतीय स्तर का था, इन लोगों ने चलाया। इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों को बांट लिए। इन क्षेत्रों को आपको समझना था, कर्नाटक, तमिलनाडु यानी मद्रास, महाराष्ट्र, इन सारे क्षेत्रों में ये काफ़ी प्रभावी था। कई बार एग्जाम में आ चुका कि होम रूल लीग की सबसे ज़्यादा शाखाएं यानी ब्रांचेस कहाँ थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, सबसे ज़्यादा प्रभावी एनी बेसेंट का होम रूल लीग था। तो ये सब 1916 के आसपास चला। फिर 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। तो ये क्या था, इसमें कौन सी घोषणाएं थी, इसे आपको जानना था। किताबों में दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे समझ में भी आएगा, और जहां पे समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करें, हमें जो पता चलेगा जितना संभव हो सकेगा हम इस पर आपको अपने कमेंट्स भी देंगे, अपनी राय भी जहां तक संभव हो सकेगा आप तक पहुंचेगी। तो आप अपने कमेंट्स भी दें और समझने का प्रयास करें। हम केवल आपको ये बता रहे हैं कि आपको इस तरह से पढ़ना है। टॉपिक्स ज़्यादा हैं, हर टॉपिक्स का क्लास संभव नहीं हो पाता है, आपको भी तो अपना पढ़ना है। तो आप पढ़ें, समझ में भी आएगा, होपफुली समझ में आएगा। हाँ, बुक्स कौन से आप रख रहे हैं ये मायने रखता है। एक बुक तो हमने आपको बताया, छोटा सा गाइड क्रॉन की, साथ में जो भी आपके पास है आप पढ़ें। लूसेंट में ये सब नहीं अच्छे से दिया हुआ है, तो आप ये न कहें कि लूसेंट हमारे पास है हम इससे पढ़ें कि नहीं पढ़ें, फिर टॉपिक अधूरा रह जाएगा। ज्योग्राफी में हम लोगों का टॉपिक जो था उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसे आपको करना था। इसे आपने कैसे किया, क्यों इसे ग्रेट प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ कहते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये विशाल मैदान कैसे बना, किनके द्वारा निर्मित हुआ, क्या इसकी विशेषता है, इसमें खादर, बांगर, तराई, डेल्टा, एस्चुरी, ये सब क्या है, इनका क्या महत्व है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से निर्मित है यह सारा क्षेत्र, जो दरअसल इन नदियों के द्वारा लाए गए और बहा कर लाए गए मिट्टियों या कंकड़ पत्थर या मिनरल्स से बना हुआ अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। अब इसमें आपको भाबर, तराई, खादर, बांगर, डेल्टा, इनको समझना है। जैसे भाबर क्षेत्र हम उसे कहते हैं जो शिवालिक के दक्षिण में है, यानी हिमालय का निचला प्रदेश, जो कंकरीला है, पथरीला है, जहाँ पर पानी नहीं ठहरता, नदियों का पानी निकल जाता है या समा जाता है, और ऐसा क्षेत्र जहां उपजाऊ नहीं है, तो यह भाबर प्रदेश है, हिमालय का निचला इलाका, उत्तरी मैदान का ऊपरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, ऐसे क्षेत्रों में विस्तृत है। दूसरी तरफ तराई क्षेत्र, तराई मतलब डैम्प एरिया, पानी से भरा हुआ दलदली क्षेत्र, हिमालय का अगेन शिवालिक से नीचे का एरिया, यह तराई क्षेत्र है, जहां पर प्रायः पानी जमा रहता है, दलदली इलाका है, यहाँ पर सवाना टाइप के वंस अधिक पाए जाते हैं, और अगर पानी कम हो जाता है तो थोड़ी बहुत अच्छी, बल्कि अच्छी खेती भी इसमें होती है। नेपाल में तो निचला इलाका पूरा तराई रीजन है, जो बिहार से लगा हुआ, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब क्षेत्र तराई रीजन का निर्माण करते हैं, और यहाँ पर दरअसल डैम्प एरिया है, गीला मिट्टी है, जिसमें खेती आसानी से नहीं होती, लेकिन सूख जाता है जब ये मिट्टी, तो फिर यहाँ पर अच्छी खेती होती है। दूसरी तरफ है बांगर और खादर। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को कहते हैं, यानी जहाँ पर बाढ़ नहीं आता, पंजाब, हरियाणा, आप इन क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि यहाँ पर अब बाढ़ नहीं आता। तो इन क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी बांगर क्षेत्र है, यानी जलोढ़ मिट्टी से बना, नदियों के द्वारा पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बांगर प्रदेश। उसी तरह से खादर, यानी नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, जहां हर साल बाढ़ का पानी आता है और नदियां नए प्रकार की मिट्टी को बिछा कर अत्यधिक उपजाऊ बना देती हैं। तो ऐसी नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, न्यू फर्टाइल लैंड, कम्प्लीटली बहुत अत्यधिक उपजाऊ, यहाँ पर बहुत कम उर्वरक देकर अच्छी खेती की जाती है, तो ये एरिया आपको खादर कहलाता है। तो ये टर्म आपको जाना। डेल्टा काफ़ी लोग जानते होंगे, जब नदियाँ समुद्र में गिरने को होती हैं तो स्पीड कम हो जाता है, तो धाराएँ रास्ता बदल लेती हैं, तो उन रास्तों के बीच का क्षेत्र एक डेल्टा के आकार का, ग्रीक अक्षर डेल्टा के आकार का बन जाता है, तो ये डेल्टा क्षेत्र कहलाता है। सुंदरवन का डेल्टा आप जानते होंगे,
गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा पूरे विश्व का सबसे विशाल डेल्टा बनाता है, मिसिसिपी डेल्टा अमेरिका का। तो ये सब आपको डेल्टा के क्षेत्र यानी ये सब उपजाऊ क्षेत्र उत्तरी भारत के विशाल मैदानों के भाग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसी में आपको पढ़ना था, मैदानी क्षेत्र तो उत्तरी भारत में है, दक्षिण में भी मैदानी क्षेत्र है जिसे हम लोग प्रायद्वीपीय मैदान के रूप में जानते हैं, पेनिनसुलर प्लेन्स। पेनिनसुलर प्लेटो तो हम लोगों ने पढ़ा था, ये पेनिनसुलर प्लेन कहाँ से आ गया, यानी प्रायद्वीपीय मैदान। तो आप जानते हैं नदियाँ जहाँ होंगी वहाँ पर मैदानों का निर्माण होगा। मैदान हम कहते हैं वैसी उपजाऊ भूमि जो नदियों के द्वारा बहाए गए मिट्टियों से बनता है, लो लैंड, वो मैदान कहलाता है, प्लेन कहलाता है। दक्षिण में भी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं। और ये दक्षिण के तटीय भागों में जो खड़े क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन्हें तो हम घाट कहते हैं। लेकिन इन घाट के नीचे का इलाका जो समुद्र के तट से पहले का इलाका है, समुद्र के पानी से या इन नदियों के द्वारा बिछाए गए सेडिमेंट से जो प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, उन्हें हम प्रायद्वीपीय मैदान के रूप में जानते हैं। इंटरेस्टिंगली प्रायद्वीपीय मैदान यानी दक्षिण भारत का जो मैदान है, दक्षिण में दाईं तरफ, राइट लेफ्ट यानी ईस्ट और वेस्ट में ऐसे मैदान पश्चिम बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक तमिलनाडु होते हुए पूरब में है, और पश्चिम में ऊपर में गुजरात से लेकर नीचे फिर केरल में कन्याकुमारी तक विस्तृत हैं। तो ये कोस्टल एरिया मैदानों का निर्माण करते हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश तक जो तटीय क्षेत्र है उसे हम लोग उत्तरी सरकार तट कहते हैं, यानी नॉर्दर्न सरकार कोस्ट। और आंध्र प्रदेश से लेकर नीचे तमिलनाडु और केरल तक का क्षेत्र जो है, पूरा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और कन्याकुमारी तक का ये जो पूर्वी तटीय प्रदेश है, मैदानी इलाका, इसे हम लोग कोरोमंडल तट बोलते हैं। यानी भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, इसका जो तटीय कोस्टल एरिया है समुद्र से लगा हुआ, यहाँ पर भी मैदानों का निर्माण हुआ है। जो पहाड़ हैं उन्हें तो हम घाट कहते हैं, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, लेकिन इन घाट के निचला जो इलाके हैं जो नदियों से और या समुद्र के द्वारा उनके द्वारा बिछाए गए सेडिमेंट से बने हैं, उन्हें हम प्रायद्वीपीय मैदान के रूप में जानते हैं। प्रायद्वीपीय तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, जो पूरब में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु और नीचे केरल तक छूते हैं। तो आधा ऊपर का इलाका उत्तरी सरकार तट कहलाता है, यानी नॉर्दर्न सरकार प्लेन, और बाकी रेस्ट नीचे का आधा जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा डेल्टा से नीचे कन्याकुमारी तक जाता है, उसे कोरोमंडल तट बोलते हैं। अब आ जाइए इधर पश्चिम में, जो दक्षिण का, दक्षिण भारत का पश्चिमी है एरिया है, वेस्टर्न कोस्ट है, उसका गुजरात से लेकर के कोंकण, गोवा तक कोंकण तट कहलाता है, जबकि जिसमें महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक आते हैं। फिर कर्नाटक के आधे क्षेत्र से मैंगलोर से नीचे कन्याकुमारी तक पूरा केरल मालाबार तट कहलाता है। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि बिहार, भारत का जो मैदान है वो दरअसल उत्तर में तो नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ कहलाता है, लेकिन दक्षिण भारत में भी मैदानी क्षेत्र हैं जो तटीय मैदान के रूप में जाने जाते हैं। और ये पूरब और पश्चिम में जो मैप है उसमें आधा ऊपर का इलाका पूरब में उत्तरी सरकार तट कहलाता है, जबकि नीचे का कोरोमंडल तट कहलाता है। और अगर वेस्ट में आप चले जाएं पश्चिम में, तो तटीय आधा भाग कोंकण तट और रेस्ट आधा भाग नीचे केरल तक मालाबार तट कहलाता है। तो ये पी प्लेन्स हैं, यहाँ पर एस्चुरी बनता है डेल्टा के साथ। इंटरेस्टिंगली अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं, नर्मदा, ताप्ती, ये एस्चुरी बनाती हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में जब नदियाँ गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। चूँकि बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं उनका स्लोप थोड़ा कम है, वो धीमी हो जाती हैं, तो रास्ते बदलकर डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिम में ऊंचाई ज़्यादा है, नर्मदा ताप्ती तेज़ी से गिरती हैं, तो डेल्टा नहीं, काटते हुए धरती को समुद्र में
अरब सागर में गिर जाती हैं, तब ऐसे क्षेत्र को हम एस्चुरी बोलते हैं, तटीय भाग को। अब अगर इंडियन पॉलिटी की हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों ने भाग और अनुसूची यानी पार्ट्स एंड शेड्यूल हम लोगों ने लिया था, इसे आपने कैसे किया? भाग, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसे 22 पार्ट में 22 भाग में बांट दिया गया है, पूरे संविधान को 22 भागों में बांट दिया गया है। तो आपको दरअसल इन पार्ट्स को, भाग को याद करना पड़ेगा किस भाग में कौन सा है। पहला चार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षार्थी को इसे याद रखना चाहिए। पहले पार्ट में, पहले भाग में राज्य और संघ का टोटल डिटेल्स है। आप जानते हैं भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके डिटेल्स हैं। भाग दो में नागरिकता है, सिटीजनशिप है। पार्ट थ्री में वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। पार्ट फोर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट है। तो इस तरह से पार्ट दरअसल संविधान के भाग हैं अलग अलग विषयों के, तो इसे आपको याद कर लेना होगा, इसमें बहुत समझने वाली बात नहीं थी। और अनुसूचियों की जहाँ तक बात है तो ये अनुसूची, जिन्हें अंग्रेजी में शेड्यूल कहते हैं, लिस्ट है, सूची है। किसकी सूची? विषयों की सूची। अगर हम बात करें सातवीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, सेपरेशन ऑफ पावर है। कैसे? जितने भी विषय हैं, सब्जेक्ट हैं जिस पर कानून बन सकता है, उसका एक लिस्ट दिया गया है इसमें। क्या लिस्ट? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। यानी वैसे विषय जिस पर राज्य कानून बनाएगा, राज्य सूची के विषय हैं। संघ सूची यानी ऐसे विषय जैसे विदेश, परमाणु ऊर्जा, वित्त, फाइनेंस, बजट, तो ये सब संघ इस पर कानून बनाएगा। और कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर दोनों कानून बना सकता है, ऐसे विषय की सूची, लिस्ट इसमें लिखी हुई है। जैसे फॉरेस्ट यानी वन, शादी विवाह, शिक्षा, एजुकेशन, तो ये सब क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं समय अनुकूल। तो ये क्या है? अनुसूची एक लिस्ट है। अगर सातवीं सूची की है, अनुसूची की हम बात करेंगे, तो हम कहेंगे सातवीं अनुसूची में लिस्ट है राज्य, केंद्र और दोनों के बीच के विषयों का, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो इस तरह की बातें इन अनुसूचियों में है, इसे आपको याद करना होगा। टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, तो इन 12 अनुसूचियों में अलग अलग आपको ध्यान में रख करके याद। आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, 22 भाषाएँ राष्ट्रभाषा है देश की, इसका एक लिस्ट है आठवीं अनुसूची में, एट्थ शेड्यूल में। तो ये भाग और शेड्यूल में इसका उल्लेख है। उसके बाद राष्ट्रीय आय की बात आती है, इकोनॉमी में हम लोगों ने नेशनल इनकम लिया था, इसे आपने पढ़ा कि नहीं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था राष्ट्रीय आय। इसमें आपको दिक्कत आई होगी, मुझे भी लगता है कि इस पर एक टॉपिक, एक पूरा टॉपिक दरअसल हम करेंगे, तो आप ये चिंता छोड़ दें, जो भी आपने पढ़ा चलिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक टॉपिक ऐसा जिस पर दरअसल हाल के दिनों में, आने वाले दिनों में इस पर एक पूरा टॉपिक हम लेंगे और अच्छे से हम लोग इसे समझेंगे। अगर आपने इसे समझ लिया तो फिर भी आपको इसे पढ़ना चाहिए था कि राष्ट्रीय आय कहाँ से, इसकी शुरुआत हुई, किसने सबसे पहले, दादा भाई नेहरू जी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय देश की प्रस्तुत की, उसके बाद किस तरह से स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय का निर्माण शुरू हुआ, उसके लिए कौन कौन सा बेस लेते हैं, सकल घरेलू उत्पाद GDP क्या है, NDP क्या है, NNP क्या है, NDP क्या है, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाल लेते हैं, अगर हम नेट नेशनल इनकम कहें तो ये क्या है, अपने देश की राष्ट्रीय आय हम नेट नेशनल इनकम के रूप में कैसे निकालते हैं, तो ये आपको दरअसल पढ़ना था। उसके बाद फैक्टर कॉस्ट पर NNP, मार्केट प्राइस पर NNP, तो ये दरअसल थोड़ा सा दुरूह कार्य है, आपको इसमें परेशानी आई होगी, इसको हम लोग एक टॉपिक के रूप में करेंगे आने वाले दिनों में। तो इसे जो भी आपकी दिक्कत हुई होगी आप रहने दें, इस पर एक टॉपिक हम लोग करेंगे वेरी सून। और ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर हम लोग का लास्ट में टॉपिक था, ये आपने कैसे किया ब्लड ग्रुप? मेरा क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप का चार भाग में विभाजन हम किस आधार पर करते हैं?
ए बी और ओ जो ब्लड ग्रुप है ये विभाजन किस आधार पे होता है। भारत में सबसे अधिक किस ब्लड ग्रुप के रोग मिलते हैं, सबसे अधिक परसेंटेज प्रतिशत किस ब्लड ग्रुप के लोगों का है, आपने इसे पढ़ा कि नहीं। दूसरी बात, ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर क्या है, क्यों इसे इस नए शब्द को बाद में जोड़ा गया। लैंडस्टीनर और वीनर नाम के साइंटिस्ट ने आरएच फैक्टर की खोज की। यह आरएच फैक्टर क्या है, क्यों इसे आरएच कहते हैं, इसका क्या मतलब है, आपने इस तरह से पढ़ा। रीसस बंदर, मैकॉक रीसस बंदर पर दरअसल 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर नाम के दो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और पता किया कि खास तरह का एक विशेष प्रकार का एंटीजन इसमें पाया जाता है, इस बंदर में, जो भारत के 85-90% मनुष्यों में भी पाया जाता है और जिसमें ये पाया जाता है उसे हम आरएच पॉजिटिव बोलते हैं, और जिसमें बचे हुए 13-14% लोग हैं उनमें ये एंटीजन इस बंदर वाला नहीं पाया जाता, रीसस बंदर का ये खास एंटीजन, तब उसे आरएच नेगेटिव हम कहते हैं। ये आपको पढ़ना था। आरएच नेगेटिव पुरुष और आरएच पॉजिटिव पुरुष, आरएच नेगेटिव महिला की अगर शादी होती है तो पहले बच्चे के बाद दूसरे और तीसरे बच्चे नहीं बचते, ये क्या मामला है, इसे साइंटिफिक टर्म में एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो ये आपको बुक में दिया हुआ है, ये इस तरह से आपको पढ़ना था। और इंटरेस्टिंगली वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आता है, पीटी में आता है, कि अगर पिता और माता दोनों ओ ओ ग्रुप के हों तो बच्चे में कौन सा ग्रुप जाएगा, ये तो आसान है, ओ ग्रुप होगा, चलिए। लेकिन अगर पिता ए हैं और माँ बी ग्रुप की है तो बच्चे में कौन सा ग्रुप होगा, संभावित ग्रुप बच्चे का ब्लड का कौन सा होगा। अगर ए ग्रुप है फादर का और ओ ग्रुप है पिता मदर का तो बच्चे में संभावित ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, तो इसका एक लिस्ट है जो किताब हमने आपको बताया उसमें भी ये दिया हुआ है और भी किताबों में है, तो आपके पास जो भी है आप इस लिस्ट को आप याद करेंगे। एक चीज याद रखेंगे, ए पिता ए माता बी अगर ग्रुप हैं तो चारों ग्रुप ए बी ओ ऑल द फोर ग्रुप्स संभावित है कि बच्चे में होगा। तो ये इस तरह से आप पढ़ लें। हम लोगों ने ये 5 टॉपिक किया पिछले दिनों पर, अब ये आपको नेक्स्ट परसों का टॉपिक है जो 14 तारीख का आपका होमवर्क है, इसे आपको करना चाहिए। आप जो भी आपके पास किताब है आप पढ़ें। क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण आपको पढ़ना है, हिस्ट्री में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो हुआ 1905 से लेकर 1950 तक, इस समय जो महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब और विदेशों में जो क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुए 1897 से 1897 से आप पढ़ेंगे। महाराष्ट्र में अभिनव भारत, मित्र मेला, अनुशीलन समिति, स्वदेशी बांधव समिति, ये सब क्या थी, संगठन क्या थे, ये सब आप पढ़ेंगे। इसमें पहला चरण भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया, गदर पार्टी की स्थापना हुई, तो ये सब आप करेंगे इस चरण में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे आगे बढ़ेंगे। भारत की नदियाँ हम लोग करेंगे, रिवर्स ऑफ इंडिया कैसे करेंगे, यानी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा सिस्टम आपको करना होगा। ये बड़ा टॉपिक है, इसे जितना भी आप अपने स्तर पर हो करें। इसे आप हिमालय की नदियाँ और दक्षिण भारत की पठारी नदियाँ इनके रूप में करेंगे, प्लस डेल्टा बनाने वाली, ऐश्वर्य बनाने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली, इस तरह नदियों के रूप में आप पढ़ेंगे। भारत की नदियाँ ज्योग्राफी में, प्रियम्बुल प्रस्तावना पॉलिटी में हम लोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है। प्रस्तावना क्या है, क्या ये संविधान का भाग है, ये किसने तैयार किया था, किसके आधार पर ये प्रस्तावना आया, इसके जो शब्द हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, गणराज्य बनाने के लिए, तो ये शब्द आपको समझना है, किस देश के संविधान से ये लिया गया कंसेप्ट,
ये सब आपको करना है। प्रस्तावना, क्या संविधान में संशोधन भी हुआ? प्रस्तावना में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ कभी? ये आप कीजिए करेंगे। बेरोजगारी पढ़ेंगे, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें बेरोजगारी का प्रकार टाइप्स आप करेंगे, भारत में किस किस तरह की बेरोजगारी है, कितने अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं वो आप करेंगे, और पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग करेंगे साइंस में। 14 तारीख का ये 14/8 का ये आपका होमवर्क है, आप इसे अच्छे से करें, काफ़ी कुछ इसमें है आप, लेकिन करें जितना भी टाइम हो सके आप इसे निकालें। जो बिजी शेड्यूल वाले हैं उनके लिए ये चुनौती है, क्योंकि ये बड़े टॉपिक्स हैं, लेकिन आपको करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आएंगे तो छूटने नहीं चाहिए। तो यहीं पर आज के इस टॉपिक को, 5 क्वेश्चंस आज नहीं हैं, ये आपको बता दें, तो ये टॉपिक्स आप नेक्स्ट टाइम करेंगे, अगला एक नया टॉपिक बहुत जल्द आपके पास आएगा, तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेंगे। अपना ध्यान रखें, होमवर्क करें, पंक्चुअली करें, थोड़ा रूटीन रहें, टेक केयर।